आज आपके लिए आरपीएफ ट्रेडमैन की वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हमारे साथ हैं सुमित मल्होत्रा जी, जो ऑलरेडी जो पहले से ही आरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्टेड हैं। पहला जो पिछली बार में फेल हुआ था उसके बारे में सबसे पहले बनाना चाहूँगा मैं, फेल कैसे हो गया था। उन्होंने क्या है कि आटा जो गूंदने के लिए थोड़ा सा आटा इतना देते हैं वो लोग, उसके बाद हमें क्या होना आता है, कुछ लोग सीधे गूंद देते हैं उसको। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम क्या है कि रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा इतना आटा अलग कर लेते हैं, मीन्स इतना आटा हम गूंदेंगे और इतना लगाने के लिए हमें रखा जाता है ना। तो इस बात को हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। यदि इस बात को ध्यान नहीं रखा हमने तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी। ये मेरी गलतियाँ थी, मैं फेल हो चुका हूँ, लेकिन हमारे जो सुमित मल्होत्रा जी हैं वो भी यहीं पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अभी आपको जो है अंदर वहाँ पर स्वीपर की वीडियो जो अभी उस पर कार्यरत हैं, तो उनकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। सबसे पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है आप लोगों के लिए आटा गूंदने की। तो आटा को किस प्रकार से गूंदते हैं आप लोग पूरा इसको देखते रहिए लास्ट तक, और आगे की वीडियो और ट्रेड टेस्ट कब होगा ये सब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो इसको गूंदना शुरू करते हैं। इसको पहले ऐसे गड्ढे से आकार का बना लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी हम डालते हैं। ओके, आटा गूंदना आप अपने घर पर ही सीख सकते हो आसानी से। मैं इसको गूंदना शुरू करता हूँ। आटा जितना ढीला होगा रोटियाँ उतनी मुलायम और फूलेंगी। यदि आपने आटे का काम कंप्लीट कर लिया, मीन्स यदि रोटी बना ली, तो आपका 60% ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। मैं इसको बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से आपका आटा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो कटा फटा हुआ दिख रहा है। इसीलिए इसको एकदम ओके करने के लिए, इस प्रकार से भी यदि आप कहोगे कि हाँ जो आटा मर चुका है, लेकिन वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें थोड़ा गुम्मी और देना, जैसे एक जैसा जो कटा फटा दिख रहा है वो ना रहे। ओके, ये आप देख सकते हो सुमति जी ने हमें आटा गूंद कर दिखा दिया है। ये इसमें कोई भी आपको कटा फटा कहीं पर भी आटा नहीं दिख रहा होगा। ये इस प्रकार का आटा आप लोगों को गूंदना है। जिस प्रकार से आपने जो आटा पहले बचाया हुआ था उसको हम रखते हैं रोटी में लगाने के लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हो जो आटा हमने बचाया था उसको हमने रख लिया है। अब हम बनाने वाले हैं रोटियाँ। रोटियाँ भी आपको देखना है किस प्रकार से बनानी है, क्योंकि हर चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं। सुमित जी हमारे साथ हैं, वो लगातार वीडियो बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। ऑलरेडी आरपीएफ में वो जो आपका ट्रेडमैन है उससे संबंधित पहले से ही उसी से भर्ती हुए हैं, तो उनके अनुभव को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके साथ मौजूद हैं। ओके दोस्तों, अब हम रोटियाँ बनाने वाले हैं। आप लोगों को देखना है किस प्रकार से रोटियों को बेलना है। ओके, ये सब मटेरियल मैं आपको धीरे धीरे दिखाता जाऊँगा। अब मैं रोटी बेलने वाला हूँ, तो आपको हर चीज़ एक एक स्टेप क्लियर करके देख लेना है, क्योंकि वो लोग आपको छोटी सी गलती पर बाहर निकाल देंगे। ये सुमित जी का सहयोग है कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं आप सभी को एक बार और बोलना चाहूँगा सुमित जी की ओर से कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आगे से ट्रेड टेस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट मिलेगा। ओके, तो आप लोग इसको शुरुआत करते हैं। अब आइए मैं रोटी बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको छोटी सी जो लोई इस प्रकार से लेना है, मैं बताता हूँ, जो हमको पेड़ा जो लेना है इसको हम अपने इधर लोई भी कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार का इतना छोटे साइज का लेना है, और इसको हाथ से मल लेना है, एकदम ही गोल कर लेना है। ओके, ये कुछ आप लोगों को इस प्रकार का दिखेगा। अब इसको आप आटे में लगाइएगा और इसका रोटियां आपको बनाना है। देखना है कितना छोटा और कितना पतला, अच्छे से अच्छा रोटी आप लोगों को बना के दिखाना है। रोटी यदि आपका फूलता है तो आप लोगों को कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आप लोगों के लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। पेपर तो दोस्तों निकल बहुत ही मुश्किल में निकलता है, एक बार निकल गया तो उस चांस को हमें गंवाना नहीं चाहिए। पूरी मेहनत को कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ स्वीपर कटर और नाई वाला सब कुछ मैं आप लोगों को लेकर के आने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग देख सकते हो कितना गोल और सही आकार का रोटी आप लोगों के लिए हमने बनाकर दिखाया है, और बिल्कुल ही पतला ये रोटी होना चाहिए। ओके, अब इसको हम तवे पर डालते हैं। इस प्रकार से ये लोग आपके लिए डाल दिया गया, एक और से हम इसको डालते हैं। सेकने का तरीका भी आप लोगों को हर चीज़ वो ऑफिशियली देखते हैं, क्योंकि वहाँ आप लोग टू टेस्ट के लिए काम करने वाले हो, ऑफिसर्स ही होते हैं। ओके, तो इसको पूरा देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने सारी वीडियो स्वीपर की भी ऐड कर रखी है। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, इसको सेकते हैं। अब इस प्रकार से एक तरफ से ऐसा सेक जाता है, इस प्रकार इसको मोड़ के इस प्रकार से इधर की ओर से भी सेकते हैं। ओके, आइए इसको हम सेकते हैं। सेकने का तरीका आप देखोगे, इस प्रकार से उठाते हैं और हमें सबसे पहले गैस पर पलट के ओर डाल देना है। अब यदि रोटी फूलती है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, और ये आप लोग देख सकते हो रोटी एकदम ही आप लोगों के सामने फूली हुई है, तो बस इसी प्रकार के आप लोगों को नंबर मिल देंगे। ओके,
आगे एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ चपाती, एक और रोटी मैं आपको सिखवा कर दिखवाता हूँ, ये आप लोगों के लिए द्वारा डाल दी गई है। ओके, और इसको सेकिएगा, लोई आपको उसी साइज की लेनी है। ये सब चीजें आप लोगों की ध्यान दी जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेड टेस्ट आरपीएफ में सबसे कठिन होता है, क्योंकि सिर्फ इसी बात के 40 नंबर मिलते हैं कि आप लोग सारा काम अच्छे से कर सकते हो कि नहीं। इसको अब पलट दीजिएगा, आप लोगों की एकदम फूली हुई रोटी देना है, इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और बताना चाहूंगा आगे ट्रेड टेस्ट की डेट कब होगी, और वहां की भी ओरिजिनल्स वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्वीपर की भी वीडियो इसी में ऐड कर रखी है, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसको सेकते हैं, देखिएगा रोटी किस प्रकार से फूलती है आप लोगों के लिए। बस इसी रोटी फूलने के ही आप लोगों के वहां पर नंबर है, आप लोग देख सकते हो एकदम ही। बस आप लोगों की रोटी एकदम नरम होना चाहिए, रोटा यदि आप आटा ढीला मारोगे तो आप लोगों का रोटी एकदम ही नरम होगा। आगे आप लोगों के लिए जो स्वीपर की वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक पूरा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के साथ ही आप लोगों को सब्जी भी कटवाई जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। एक हमसे जो आरपीएफ के सुमित जी हैं, उनका मतलब पूरा संपर्क है, तो मैं आपको पूरा आज घुमाने वाला हूँ, वो आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। दोस्तों सब्जी काटना भी आरपीएफ ट्रेड टेस्ट का एक हिस्सा है, वो आप लोगों को बताएंगे सब्जियां, और सब्जियां आपको दे देंगे। मोस्ट ऑफ जो आलू कटवाते हैं, तो इस कारण मैं आलू लेकर के आया हूँ। आपको आलू प्याज जो एक हरी सब्जी मेरे पास है, तो मैं ये आपको कटवा कर दिखवाता हूँ सुमित जी से। तो सुमित जी मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा इसको, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुमित जी वो जो है हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो क्या है कि आप लोगों के सामने थोड़ा आना नहीं चाहते, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, इस कारण से वो नहीं आ सकते। लेकिन मैं उनका कटा हुआ हर एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, बस आप अपना प्यार उनके लिए बनाए रखिए। उनको धन्यवाद जरूर कहना कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या है उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। भले ही मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप एक हिट लाइक का एक बटन जरूर दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे से ट्रेड टेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों को मिल सके। मैं इनसे शुरुआत करवाता हूँ, सबसे पहले हम आलू से शुरुआत करते हैं। तो आलू को किस प्रकार से क्या करना होता है, उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार जब उनका ट्रेड टेस्ट हुआ था, लोगों मैं उन्हीं के पास लेकर के चलता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, आलू को छीला जाता है। तो आलू को छीलने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, किस प्रकार से छीला जाता है मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को छीलना है, तो हमें पकड़ना वकड़ना सब कुछ को दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम पकड़ेंगे, ये लो हर एक चीज का उसमें आप लोगों से ध्यान रखा जाएगा। ओके, मैं आप लोगों को सारी चीजें उपलब्ध करवाऊंगा चैनल पर, और आज या कल मैं आप लोगों के लिए जो मार्केटिंग जो मसाले वाला वीडियो है, वो भी आप लोगों को जो मार्केट से उपलब्ध करवाऊंगा। कल मैंने एक वीडियो उपलब्ध करवाया था आप लोगों को, प्रोवाइड करवाया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा रुचिपूर्ण तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए बाजार जाने वाला हूँ, तो वहाँ से लेकर के आऊँगा। ओके, इसको पूरा छीलते हैं जल्दी से जल्दी। तो उसका छीलने का तरीका कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ये यहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए, और इस प्रकार से। ओके, और इस प्रकार से हम इसको छील देते हैं। ओके, अब बात करते हैं आलूओं को काटने की। तो उनका काटने का भी तरीका कुछ ऐसा रहता है कि इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब वो आप इस प्रकार से काटोगे तो उनको एकदम जैसा घरेलू जैसा फील होता है, इस कारण से इस प्रकार से नहीं काटना है। इसको इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से कुछ काटना है आप लोगों को। ओके, ऐसे पकड़ के, और ऐसे ऐसे जब हम कट करते हैं सब्जियों को, और फिर इसे हम इस प्रकार से बीच में से ले लेते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए ले लिया, और फिर हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। ऐसा उनका मानना होता है कि छोटे छोटे पीसेस में सब्जी अच्छी बनती है। मैं सब कुछ वही करके बताऊंगा जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट वहां पर बताया जाता है। ओके, और कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। इसको पूरा देखिएगा, इस प्रकार से हम छोटे छोटे पीसेस के कर लेते हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, मीन्स एक बाइट में एक तो आपका आना ही चाहिए। ओके, इसको भी काट लेते हैं इस प्रकार से। मैंने अभी आपको बताया, रखे हुए रूप में भी काट सकते हो, ऐसे भी हम इसको काट सकते हैं। ओके, ये रहा आप लोगों का आलू कटिंग। आप लोगों को हर हर सब कुछ मैं आपको आज करवा के दिखाने वाला हूँ। सुमित जी हमारे अनुभवी हैं, इस कारण से वो क्या वीडियो में आपको बता चुका हूँ नहीं आ सकते, रीजन है उसका। नहीं तो ये उसूलों के, रेलवे के उसूलों के खिलाफ है कि यदि कोई जानकारी लीक होती है तो हो सकता है उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए।
इस कारण से सर वो हमको बता रहे हैं, हम आपके सामने ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, पहले मैं उनसे सीखता हूँ, फिर उसके बाद हाल ही आप लोगों को सिखाता हूँ। उन्होंने मुझे फ्रीज से दो तुरैया निकाल के दे दी हैं, तो उनको भी मैं आपके सामने काट के दिखा देता हूँ। ये लोग देखिएगा पूरा पूरा, पहले इनको उन्होंने बताया कि इस प्रकार से दो अलग भागों में तोड़े थे, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। अब जो बीच वाला हिस्सा बचा हुआ होता है, इसको भी हम दोनों को एक साथ ही बताते हैं आपको। ये ले लिया और ये ले लिया, अब इसको हम छीलते हैं, इसको भी छीलेंगे। ये लोग हल्का हल्का छीलते हैं इसको, ज़्यादा हम यदि अंदर से नहीं छीलते। उन्होंने कहा कि कुछ ऑफिसर्स ऐसा पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, इसको हम इस प्रकार से काटते हैं। ये लो छील लिया, आप लोगों के सामने ही छीलता हूँ, इसको पूरा छील लेता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। ये मेरे द्वारा छील ली गई हैं, अब इनको काटने का, यदि आपकी तोरी छोटी है तो आप लोगों को इस प्रकार से ही सीधा गोल गोल पीस में और इस प्रकार से आप लोगों को काटना है। ये ले लिया आपने, ये ओके, और फिर इसको इस प्रकार से हम काट देते हैं दो दो छोटे छोटे पीस में, क्योंकि वहाँ कुछ कुक्स जो हैं स्पेशलिस्ट रहते हैं, वही इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। ओके, आगे इसको भी हम दो हिस्सों में ले लेंगे। ये ले लिया हमने, और फिर इसको अलग करके, यदि ये बड़ा है तो आपको वहीं ये सब देखने को मिलेगा, और वो आपको रीजन बाद में बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। जो लोग भर्ती हो जाते हैं उन लोगों को भी बताते हैं, सब कुछ आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान और सब कुछ बताया जाता है। इसलिए मैं सुमित जी जो अनुभवी हैं उन्हीं के साथ ये सब कुछ काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये आप लोगों को अनुभव के आधार पर ये कटिंग दिखाई जा रही है, बिल्कुल इस प्रकार से ये आपका रहेगा सब कुछ। ओके, मैं और आगे, अब आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इनके द्वारा जो है प्याज किस प्रकार से काटी जाती है। तो आप लोग पूरा फोकस कीजिए प्याज पर। ओके, प्याज को सबसे पहले हम यहाँ से काटते हैं, ये लो, क्योंकि वहाँ पर आपसे हर एक चीज़ जो है एकदम इस प्रकार से पूछी जाती है कि आप वहाँ एकदम अनुभवी तरीके से कर रहे हो। तो थोड़ा यदि वहाँ टेस्ट देने जाओ तो उससे पहले आप क्या करना, थोड़ा सा एक दो दिन घर पर खाना वाना बना लेना, तो जिससे आप लोगों का क्या है अनुभव थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उनको लगना चाहिए कि अनुभवी ये है। और इस प्रकार से फिर इस प्रकार से रखना है आप लोगों को, और ऐसे लगना चाहिए कि आप एकदम ऑफिशियल कुक कर रहे हो। ओके, एक दो दिन घर तक करके जाना हो, हसिया वसिया नहीं मिलेगा आपको, चाकू ही वहां दिया जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपने काट लिया, ये रूम ये काट लिया गया, बहुत छोटे छोटे पीस आप लोगों को कर देना है इसके। सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ये हो गया आप लोगों का, अब इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं मानता हूँ ऐसा। इसके बाद आप लोगों के लिए हरी मिर्च, हरी मिर्च काटना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये लिया आप लोगों, इस प्रकार से आप लोगों छोटे छोटे उसके पीस कर लेने हैं, पहले धोना जरूर है सब कुछ। वो यदि आपको गंदा देते हैं या बैग में से निकाल के देते हैं, तो सब कुछ इस प्रकार से दिखाना है कि एकदम उनको भा जाए, कोई भी कहीं तक कोई परेशानी उनको नहीं आना चाहिए। ओके, सब कुछ आपको एकदम धो के एकदम ओके करके ले आना, जैसे इस प्रकार से ये लगा हुआ है तो ये सब कुछ आपका हटा हुआ होना चाहिए, कोई भी गलती आप लोग वहाँ नहीं करोगे। ओके, सुमित जी के जो है अनुदेशन में ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो नहीं आ सकते, उन्होंने बताया है कि ये उनके जो है डिपार्टमेंट के खिलाफ है, यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको हो सकता है कि एक्शन हो जाए कोई। इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि किसी का कोई भविष्य खतरे में हो, इसलिए हम आपको खुद ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। ओके, सब कुछ एकदम ऐसा ही होने वाला है आपको विश्वास। वहाँ आप सब्जी बनाने की प्रक्रिया में मैं आपको सम्मिलित करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आप जीरा लेते हो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा किचन की ओर। अब मैं आपको सब्जी की प्रोसेस पर ले चलता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तेल को पहले हम इस प्रकार कढ़ाई में डालते हैं, थोड़ा सा उबलने लगे तो उसमें हम क्या डालते हैं, आपने देखा होगा जीरा डालते हैं। तो जीरा कुछ इस मात्रा में होना चाहिए आपका, थोड़ा लेवल हर चीज़ का क्वांटिटी आपका पहले से फिक्स होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो जीरा भुन चुका है, जीरा भुनने के बाद आप लोगों को प्याज इसमें डालना है। ये सब चीजें आपसे वहां करवाई जाती हैं, इस कारण से मैं सुमित जी के अनुभव से आप लोगों को लेकर आ रहा हूं। ये जब तक आपका प्याज सिकता है, जब तक आप लोगों को मसाले तैयार करना है, इस प्रकार से आप लोगों को कटोरी लेना है, उसमें आप लोगों का धना
और आप लोग जो कोई भी मसाले उसमें यूज करते हो, आप लोगों को सभी मसालों के नाम याद होना चाहिए। मैंने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से दिया था, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन को देख लेना है या मैं आपको कमेंट सेशन में डाल दूंगा। आपको हल्दी ले लेनी है, आपको जो भी मिर्ची आप डालते हो वो भी ले लेनी है, और आप लोगों को जितना भी आप लोग नमक डालते हो इसमें आप लोगों को ले लेना है, ओके। और इसमें क्या है, थोड़ा सा पानी आप लोगों को डाल देना है, जिससे क्या है ये इसमें गल जाए, ओके। जब तक आप लोग अपना मसाला देखते हैं, मसाला यदि भुन जाए तो आप लोगों को ये इस प्रकार का ही सूखा हुआ मसाला इसमें डाल देना है, जिससे क्या है यदि प्याज आपका भुन जाता है तो आप लोगों को मसाला भी सेकना होगा। तो इसमें आप लोग अपने मसाले को डाल दीजिएगा, या आप लोग देख सकते हो प्याज अच्छे से भुन चुका है, आप लोगों ने इसमें अपना मसाला भी डाल दिया, ओके। इस प्रकार से इसको मिक्स कर देना है। हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ मैं, ओके। और मसाले को जब तक भूनना है जब तक आपका तेल और मसाला दोनों अलग अलग नहीं हो जाता, ये इस प्रकार से आप लोगों को देना है, जिससे क्या है वो उसमें हीट मिलती रहे। दोस्तों इन सारी प्रक्रियाओं में से आपसे कोई भी एक काम करवाया जाएगा, आप ये नहीं सोचना कि रोटी भी बनवाई जाएगी, सब्जी भी बनवाई जाएगी, झाड़ू भी लगवाई जाएगी, कोई भी एक काम किया करवाया जाएगा आप लोगों से, जिसको आपने प्रेफर किया होगा आपने फिल करते समय, ओके। तो ये आप लोगों के सामने थोड़ा मैं बनावा रहा हूँ, आप लोगों को सब्जी भी सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँगा आज आप लोगों को, जिससे आप लोग पेपर तो निकल गया है ट्रेड टेस्ट में फेल ना हो जाएं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये मसाला जो है इससे अलग हो चुका है, तेल इसमें से अलग हो चुका है। अब इस प्रकार हम इसमें थोड़ा सा अपना सब्जी जो कुछ भी हम बना रहे हैं इसमें अपना आसानी से डाल सकते हैं। मैं आप सभी को यदि सलाद की बारी आती है तो आप लोगों से टमाटर भी कटवाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को इस प्रकार से रखना है और बहुत ही बारीकी से आप लोगों को काटना है। इस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया ये अंगूठा रख करके काटते हैं सुमित जी ने, इस प्रकार से आप लोगों को काटना है, ओके। और इस प्रकार से आप लोग सलाद को बिछा देते हो, ओके। और इसको ये लगा दिया, पल्ला आप लोगों का दिया गया है, और इसको भी आप लोग इस प्रकार से लगा देते हैं। यही आपका पूरा पूरा प्रोसेस रहेगा, सेम का सेम आप लोगों को कुछ भी परिवर्तित देखने को नहीं मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा ट्रेड टेस्ट में जाने से पहले अपने सारे काम एक दो दिन घर पर जरूर करके देख लेना, जिससे आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में बहुत ही आसानी होगी, ओके। ये आप लोगों का सलाद भी आप लोगों के लिए सामने करके तैयार हो चुका है। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने और भी साथियों को बताना। जब आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओ, फिजिकल देने के लिए जाओ, तो हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि आगे से जो कोई भी आज RPF ट्रेड टेस्ट में जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, तो उसमें सफाई वाला जो रहता है तो उसमें आपको एक एक स्टेप देखो आप क्लियर देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो सुमित जी की सहायता से आज हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आप इसमें देखिएगा कि कितना इस तरीके से आप लोगों को झाड़ू लगाना है, कि एक एक बार आप लोगों को वापस एक बार पीछे ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि इससे क्या है, और जहाँ झाड़ते हो आप इस प्रकार से हिलाते रहिए, ये सुमित जी कर रहे हैं। चूँकि ये आपके कैमरे में नहीं आ सकते, मैं आपको बता चुका हूँ उनकी ये जो है जिसमें ये काम करते हैं मीन्स RPF ट्रेडमैन से ऑलरेडी हैं, तो इसमें आपकी क्या है कि ये कंडीशंस के ख़िलाफ़ है, ओके। तो इसमें आप लोग पूरा देखिएगा, सुमित जी कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को देखना है पकड़ने का तरीका, ये आपको दिखा रहे हैं पकड़ने का तरीका, किस प्रकार से इसको पकड़ना है मुट्ठी बंद हाथों में और इस प्रकार से झाड़ते जाना है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप, क्योंकि झाड़ू में भी आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि कहीं वो पानी भरे हुए में लगवाते हैं, जिससे क्या है आप लोगों का एक एक तरकीब पता लग जाए, कहीं सीढ़ियों पर लगवाते हैं, तो मैं आपको हर जगह से एक एक चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ट्रेड टेस्ट की सारी वीडियोज़ आप लोगों को और सारी अपडेटेशन इसी चैनल पर उपलब्ध होगी, सो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सुमित जी की सहायता जो आप लोगों को निरंतर दी जा रही है, तो इसका लिए आप लोगों को एक कमेंट में धन्यवाद ज़रूर लिख देना, जिससे उनका थोड़ा हृदय प्रसन्न हो। तो आप लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं, और कभी झाड़ू लगाते हैं खेत, वो प्रतिवृत्तियाँ लगाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आज पहली बार लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक उनका काम है पानी वाली जगह पर लेकर के चलते हैं, ये आप लोगों का पानी से कितना सहारे से मीन्स पानी आप लोगों का उस कचड़े में मिलना नहीं चाहिए, और इस प्रकार से आप लोगों को साइड से निकालते हुए ले जाना है, ओके। हर एक चीज़ वो आप लोगों को क्लियर करवा रहे हैं, बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनके लिए थोड़ा सा प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। आगे मैं आप लोगों से इनसे निवेदन करता हूँ कि जो सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियों पर भी वो परेशान करते हैं, तो थोड़ा इनको सीढ़ियों की ओर भी ले जाना चाहूँगा। थोड़ा उसमें जिसे निवेदन है, थोड़ा सीढ़ियों की ओर आप चलिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा।
अब वो हमारी बात नहीं टालेंगे क्योंकि जैसे तैसे मैंने उनको कन्वेंस किया है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं, आप लोग देख सकते हो सीढ़ियों का भी आप लोगों के लिए किस प्रकार से झाड़ना है, क्योंकि एक एक किन्नौर वो क्या एकदम काम सारे तरकीब से करवाते हैं। ओके, इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आने देते। आप लोग तो एक और थोड़ा पास में करके दिखाइएगा, और ये इस प्रकार से साइड से जब हम लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। आपको एक एक चीज़ घर पे 2-5 दिन का रिहर्सल करके जाना, जिससे आप लोग वहाँ पे कुछ भी नया ना लगे। ओके, और ये सब सभी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। बस आप सभी से निवेदन इतना ही है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, और इस प्रकार से आप इस वीडियो कंटिन्यू पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। गार्डनिंग की वीडियो और नाई की वीडियो भी जल्दी से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ओके, उसको आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, और ये लगातार आप लोगों के लिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि इसमें उनको आवश्यकता है। हर एक चीज़ एक एक क्लियर चीज़ आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये सीढ़ियों को पूरा साफ़ कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों की कोई भी चीज़ कट करना नहीं चाहता। किस प्रकार से ऊपरी स्टेप, किस प्रकार से निचले, सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा। ओके, और आप लोगों को इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आगे की वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को पुनः एक बार फिर से विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।